अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। प्राची, आज तक मैंने आपसे सिर्फ मेरी पंछी के लिए प्रार्थना की है, पर आज आज कुछ मांगना चाहती हूं मैं अपने लिए। प्लीज मुझे मुझे खुशी दे दीजिए। मैं चाहती हूं वो आए घर में, मेरी जिंदगी में। उसे जितनी मेरी जरूरत है उससे कई ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है। पता नहीं क्यों उसके बिना जिंदगी अधूरी सी है, खाली सी है। ऐसा अधूरापन तब भी महसूस नहीं हुआ था जब रणबीर से अलग हुई थी, लेकिन अब खुशी ही है जो मेरी जिंदगी पूरी कर सकती है। वो सिर्फ मेरी जिंदगी की खुशी नहीं है, वो मेरी जिंदगी बनती जा रही है। प्लीज प्लीज मुझे खुशी दे दीजिए। क्या चाहते हो? क्यों, मतलब क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल बना रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? अब जब मैंने सोच लिया था कि मुझे खुशी चाहिए अपने घर में, कि खुशी को मैं घर लेके आऊंगा, आप मेरे सामने प्राची को ले आए। मैंने अपने आप को झूठ बोला था ना कि मुझे प्राची की जरूरत नहीं है, तो क्यों मेरे सामने लेके आए उसको? क्यों सच सामने लेके आए कि प्राची जिंदा है? अपने आप को झूठ बोल के बहला के मैंने ये बोल दिया था कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और आप है कि मेरी आंखों के सामने उसको ले आए। अब ठीक है आप ले आए, लेकिन अब जो मेरे दिल में ये चाहत हो रही है उसको बार बार मिलने की, उसका क्या करेंगे? प्लीज ये जो चाहत है ना मेरे दिल से वो निकाल दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं प्राची, नहीं चाहिए जे, मुझे मुझे सिर्फ खुशी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुशी और कुछ नहीं। और हाँ, वैसे एक और चीज चाहिए थी मुझे आपसे, ये वो लड़का है ना अक्षय टंडन, उसको ना प्राची से थोड़ा दूर कर दीजिए प्लीज। मैंने देखा है कि वो क्या महसूस करता है प्राची के लिए। प्राची नहीं समझ पाएगी, इनफैक्ट कोई लड़की नहीं समझ सकती, पर मैं समझ सकता हूँ। मैंने देखा है कि वो कैसे देखता है प्राची को, तो उसको ना थोड़ा प्लीज प्राची से जितना दूर हो सके उसको उतना दूर कर दीजिए। अक्षय उसके लिए क्या फील करता है मुझे पता है, पर प्राची नहीं जानती। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त तुम किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं, और तुम्हारे इस डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। You take your time. तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। पर इस दिल को कैसे समझाऊं? जब भी तुम्हें देखता है तो बहुत ही अलग तरीके से धड़कने लगता है। इस दिल को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट अभी भी इस वक्त भी वही हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा जो माइंड है ना वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस, दिल के आगे दिमाग मजबूर है। दिल तुम्हें चाहता है और दिमाग को तुम्हें चाहने पे मजबूर कर दिया है। हर वक्त, हर पल, हर समय सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सितारे, नैना घुटन में बंद हो गए। अक्षय, क्यों तो फाइनली तुम आ गए। अरे काया, वेलकम बैक, तुम आ गई फाइनली। कैसा रहा सब कुछ? ऑल गुड? क्यों नहीं आना चाहिए था, ये मेरा ही ऑफिस है, मैं कभी भी कहीं भी हो सकती हूँ। नहीं ऑफ कोर्स तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हारे ही ऑफिस है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई। हाँ मगर अब आ गई हूँ। नाउ काया इज बैक, और अकेले नहीं आई हूँ, मैं साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ।
फॉरेन की कंपनी एक है जो कि बिल्डिंग बना रही है और जो उन्हें मटेरियल चाहिए वो हमें इंडिया से सप्लाई करना होगा। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए मतलब? क्यों नहीं चाहिए? इट्स ओके, मैं किसी और को। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए। थैंक यू, थैंक्स। इस फाइल में सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। अरे वाह यार, मुझे बस एक दिन का टाइम दो, मैं सारी डिटेल्स याद कर लूंगा, सब कुछ पढ़ लूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ की गुंजाइश ही नहीं है, डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। एक बात याद रखना, ये तुम्हारा पहला इतना बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे हम ये साथ में भी कर सकते थे, मगर कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेले ये करना होगा। और एक और चीज़, फाइनेंसिस तुम्हें खुद अरेंज करने होंगे, अपने खुद के पैसे तुम्हें इस प्रोजेक्ट में डालने होंगे। आई होप दैट्स क्लियर। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ट्रस्ट मी, सब कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरा पहला प्रोजेक्ट, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग मेरे साथ हो सकती थी जो, थैंक यू। मगर एक बात याद रखना, जोश में अपना होश मत खोना। दोबारा कह रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। मैं नहीं चाहती इसमें कोई भी गड़बड़। थ्रू आउट मैं तुम्हारे साथ प्रोफेशनल रहूँगी और अगर मुझे कोई भी गड़बड़ दिखी, डिलीवरी वक्त पर नहीं हुई या ऑर्डर सही नहीं हुआ, तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी। अरे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एक्सपोर्ट तुम करोगे और क्वालिटी चेक मैं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको जैसा चेक करना है वैसा कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का काम होके मिलेगा आपको, यकीन करो मेरा, ट्रस्ट मी। यकीन किया नहीं जाता, कमाया जाता है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है, इसलिए संभल कर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।